तो दोस्तों ये गया ट्यूबलेस टायर, तो साइड से हवा निकलने का प्रॉब्लम था, इस साइड से नोजल भी खराब था और दो दिन तीन दिन में हवा निकलने का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग जिनका गाड़ी उनको बोले ट्यूब डाल देते सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये टायर का साथ ट्यूब था, मतलब टायर का साथ जो भी आता है वो एकदम अच्छा ही आता है, तो ये हम लोग लगा देंगे। देखे 308 नंबर की, ठीक है ना, ये हीरो का एची बारे, एक मिनट देखा देखो या आराम से देखे इस हाईवे से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूब अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं होता है, चलता है, छोटा होने से भी चलता है। चलो अच्छा से चेक करो, ये हो गया नोजल, हम लोग काट दिया, नहीं तो हम लोग लिक्विड डाल देने वाला थे, मगर इस साइड से हो गया था लीकेज, इधर से होने से बंद हो जाता है, इधर से भी बंद हो जाता है, इस साइड से हो गया था, फिर नोजल भी खराब था। तो अगर लिक्विड डाल देंगे, लिक्विड का ले लेंगे 300 रुपया, नोजल का लेंगे 800 रुपया, तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। फिर इधर से भी लीकेज का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग सोचे नहीं ट्यूब ही डाल दिया सबसे बेस्ट रहेगा। अब बहुत आदमी बोलेगा ट्यूब का कितना, तो हम लोग फिटिंग करके 300 रुपया लेंगे का ये ट्यूबलेस है। अभी गाड़ी भी देखा देते हम लोग, ये हो गया हीरो का अच्छी बात, ये गाड़ी टाइम 11 बज रहा है, तो हम लोग यही फिटिंग करेंगे। हाय क्या काठी, तो दोस्तों शायद काठी है, निकल लेते हैं, अच्छा सा अगर चेक नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी हम लोग सेटिंग करेंगे, तो दोस्तों ट्यूबलेस टायर है ना, थोड़ा सा हार्ड तो होगा ही, ऐसा सही से आपको फंसा लेते। तो दोस्तों टायर लेवर का मदद लेना पड़ेगा, क्या टायर हार्ड बहुत है ना, थोड़ा टाइम भी लगेगा, खटनी भी होगा, क्या टायर हार्ड ट्यूबलेस टायर है, फिर MRF का। और इस मॉडल का टायर दोस्तों अगर ट्यूबलेस हो चाहे ट्यूब वाला हो, हार्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, दाम भी ज़्यादा है इसका। देखो दे लो अबे सही से फंसा, तो दोस्तों उल्टा करके थोड़ा सा चपना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बहुत। जबरन अगर थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो ये क्या होगा, टायर का दोनों साइड ना हार्ड रहता है, तार रहता है अंदर से, कच्चा तार सब बहुत हार्ड होता है, वो काट जाने से बेकार हो जाएगा दोस्तों, गाड़ी बाबलिंग मारने का प्रॉब्लम आ जाएगा, टायर का लाइफ खत्म हो जाएगा। तो चाप चाप के धीरे धीरे से ही करना, पहले पेड़ से चापना होगा, फिर धीरे धीरे उठाना होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें। तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मुझे भी हाथ लगाना पड़ा, चलो इधर बैठ गया, अब नोजल सही से बैठा के हवा डालते इसमें, 40 दे देंगे, कई ट्यूबलेस टायर ना थोड़ा सा मोटा है, चल जाएगा।
तो दोस्तों इधर का काम कंप्लीट, अभी हम लोग बाहर लेके हवा डालेंगे। वॉल्फिन लगा रहे मतलब नोजल का नाम है वॉल्फिन। चलो कौन सा वॉल्फिन आप दिखाते हैं, देखिए ये देखा जाता ना, ये अभी बाहर हवा डालेंगे हम लोग। कहीं बीट फिर उठाना होगा, अच्छा होता है, देखिए आराम से उठ गया। कहीं नोजल बैठने का बाद टूटा लूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 240.2 हवा, कितना 40 है ना, हाँ। तो बिल्कुल सही है। रहने दो। तो दोस्तों इधर का काम हम लोग का कंप्लीट। तो अभी हम लोग फिटिंग करेंगे चक्का। तो चक्का हम लोग का फिटिंग हो चुका है, थोड़ा घुमा चक्का को। तो दोस्तों सिर्फ नट बोल्ट टाइट करना है, इधर हम लोग का काम कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग ट्यूबलेस टायर में ट्यूब फिटिंग कर दे, इसमें प्रॉब्लम था, इसलिए कोई हम लोग का पास उपाय नहीं था। 300 रुपये में काम सक्सेस हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।